हाय, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं यहाँ आज बिंदु दारा सिंह, जो हमारे भाई हैं, उनके जन्मदिन में आई हूँ। और वो हमारे बिंदु दारा सिंह आज पैदा हुए हैं, तो उनके जन्मदिन मनाने आए हैं। मूड तो बहुत धमाल का है, मूड तो बहुत धमाल का है, क्योंकि जब बर्थडे हो हमारे भाई का तो मूड अपने आप ही बन जाता है, तो इसीलिए बहुत बहुत ज़्यादा, ज़रूर से ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है दोनों भाई बहनों में। भले वो मेरी माँ के पेट से पैदा नहीं हुआ है, पर मैं उनको रखड़ी बांधती हूँ हर राखी बंधन में। और देश में ऐसे भाई सब बहनों को मिले, और मैं हमेशा ये मानती, मेरा भाई हमेशा भोला है, मेरा बिंदु बहुत भोला है। बहुत सारी ऐसी मेमोरीज हैं जो हम दोनों ने शेयर की हुई हैं हमेशा। और हम कुछ भी बात अगर होती, कुछ सीरियस मैटर भी होता है, तो बिंदु वीरा और डोला जान दे यार, छड़ दे। मैंने नहीं भाई, अरे मेरी बात तो सुनो बिंदु वीरा, ये ऐसी बात ठीक नहीं है। अरे जान दे, ऐश करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रहने दो सबको, जान दो, छोड़ दो। मतलब जितना भी जो भी लोगों की जो आदत होती है, डोंट बॉदर। तो मैं अगर कुछ बोलूँ, नहीं ऐसे ऐसे बात करे, ऐसे अरे छोड़ो, जाने दो। इज लाइक खुला दिल बंदा। आज उनके खास दिन पर क्या विश करना चाहेंगे? हैप्पी बर्थडे टू यू। और फिर वो वाला जो है ना, हाँ मेरा हैप्पी बर्थडे हो, मेरा हैप्पी बर्थडे, हाँ मेरा हैप्पी बर्थडे, दैट इज मोर रिदमिक, सो इट साउंड ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल। मेरा बर्थडे January 20 को आ रहा है अगले साल, तो क्योंकि मुझे यहाँ से मैं आते हुए पूरा, मुझे आपका प्रोटोकॉल बहुत बढ़िया लगा, बिना बोले प्रोटोकॉल है इस बात को लेकर के गर्व हुआ। महफिल जहाँ वहाँ से यहाँ तक आपका जो मेरा सफ़र रहा आप तक पहुँचने का, बहुत खूबसूरत लगा, बहुत अट्रैक्टिव लगा। बत्तियों की दिवाली जो जिस तरीके से आप लोग ने सजाई है, रेड कार्पेट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सिन सिटी नाम आपने शायद गलत तो नहीं रख लिया, इट शुड हैव बीन मच मोर, सिन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सिन मुझे नहीं लगता है सिन की बात है कुछ। सिन नहीं, सिन मतलब आप समझ रहे हैं ना, इंग्लिश वाला सिन जो कहा जाता है सिन, तो ये सिन नहीं होना चाहिए था, और सन सिटी होना चाहिए था, ब्राइटनेस, ब्यूटीफुलनेस। थैंक यू। उसके लिए हमेशा हमारे दिल से अच्छी दुआएं निकलती है। मैं सुन रहा हूं, कोई गलत तो नहीं बोल रहा है, इधर कोई भरोसा नहीं भाई, कुछ भी बोल सकता है। मैं सुनने आया हूं कि ये कहीं कुछ रॉन्ग तो नहीं बोल रहा। बिंदु जो है, बिंदु अपना भाई है, अपना दोस्त है, आई लव हिम, वी लव यू ब्रदर। तो अल्लाह करे कि अगले 100 साल इसी तरह ये बर्थडे मनाता रहे। हमने बड़े दिन साथ में बिताए मेरे भाई के साथ। बिल्कुल, बहुत बहुत ही खतरनाक ट्विटर में ताकत ट्वीट मारते हैं भाई, कंट्रोल भाई, कंट्रोल। ठीक है, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। यू नो आज आप बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, काफी सारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, सब साथ में है, कितना एंजॉय कर रहे हैं? सबसे पहले तो वो बताइए। बहुत मेरे साथ क्लोज लोग हैं, मैं ज्यादा पार्टी पुटी देता नहीं हूं, पर मेरे को आज सबने इंसिस्ट किया, बहुत साल हो गए, तू 55 साल का आने वाला, 55, तो पार्टी देनी पड़ेगी, तो आज मैंने पार्टी दे दी है, और ये आए हमारे भाई लोग। और वैसे भी देखो 55 इयर्स में लौंडा लगता है एकदम, तो पार्टी तो बनती भी है। देखो भाई, इसको कंट्रोल करना, उठा के ले जाऊंगा मैं अभी इसको, क्योंकि ये बहुत डेंजरस आदमी है। ये जब ट्वीट करता तो बहुत बहुत डर लगता है कि यार क्या कुछ रॉन्ग तो नहीं करता तूने भाई, ये लगा रहता है। आई लव हिम वेरी मच एंड आई लव यू ऑल। ये तो मिलता रहता है, मैं तो मिलता रहता हूँ, ये कभी भी रात को घर पे बुला लेता है, और फिर उसके बाद पूरी गैंग बैठती है। डिनोल काम या माय हनी, कम या माय, कम 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 कम, क्या के जिया गानी आए आए आप जी। तो इसके घर पे मैं पहुंच जाता हूँ कई बार, और कुछ ना कुछ बहुत वहाँ, फिर जो वहाँ गॉसिप होती है मैं बता नहीं सकता। बिंदु मेरा भाई है, मैं उनकी फैमिली से जुड़ा हुआ हूँ बहुत सालों से, मैं जानता हूँ अच्छा से, और ऑलमोस्ट मैं दूर भी हूँ या हम लोग दूर भी हों, लेकिन शेयर जरूर करते हैं आज की
आज का दिन हम लोग, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं उसको, और इसी तरह फिट रहे, हेल्दी रहे और मुस्कुराता रहे, ये मेरी शुभकामनाएं आज के दिन उसके लिए। तो आने वाला समय है उसका चमकता रहे। नहीं, मिलते रहते हैं, कोई ना कोई फंक्शन में हम लोग ज़रूर मिलते रहते हैं। अभी शायद एक दिन के बाद फिर हम कहीं दोनों साथ में जा रहे हैं काम से, तो मुलाकात होती रहती है। बहुत सारी मेमोरीज हैं, अभी कुछ मेमोरी आज बनेगी तो नेक्स्ट ईयर बता दूंगा आपको, और कई साल की मेमोरीज भी हैं, कहीं ना कहीं हम लोग साथ में सेलिब्रेट करते हैं, तो मेमोरीज ऐसे ही बनती हैं ऐसे मौक़ों पे, तो आज जो बनेगी उसे नेक्स्ट टाइम आपके साथ शेयर किया जाएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट बिंदु जी, हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू। अच्छा, कैसा लग रहा है? मैं पहली बार आ रहा हूँ, मैंने नाम तो बहुत सुना है, मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, तो नेचुरली अच्छा ही होगा, बिंदु ने चूज़ किया है तो आप लोगों ने प्रोग्राम यहाँ बन रखा है तो अच्छा होगा, तो सन सिटी का बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट। हाँ बोलिए। बिंदु के साथ मैनी मैनी ईयर्स वी नो ईच अदर वेरी वेल, और बॉन्ड डिस्कशन का शेयर करते हैं कि जिस सिचुएशन में मैं आज हूँ, देयर वाज नो वे पॉसिबल आई कुड हैव कम हियर, बट येट आई एम हियर, दैट्स अ काइंड ऑफ अ बॉन्ड आई शेयर विद हिम। या हम तो चाहेंगे दुनिया भर की खुशियाँ उनकी झोली में आए, एंड ही इज अ हैप्पी ग्रेगेरियस पर्सन एंड ही ऑलवेज रिमेन हैप्पी। आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट ऑन हिज बर्थडे टुडे। जैसे कि आपने कहा, यू नो, आप बहुत स्ट्रांग बॉन्ड शेयर करते हैं, तो कोई एक ऐसी खास मेमोरी शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? एक नहीं, बहुत सारी हैं, शेयर करने लायक नहीं है यहाँ पे। किस तरीके का बॉन्ड शेयर करते हैं आप बिंदु के साथ? बहुत ज़्यादा इमोशनल बॉन्ड है मेरा और बिंदु भैया का। हमारी मुलाकात बिग बॉस में हुई थी, हालांकि मैं उनको एज अ पार्टी पीपल बहुत जानता था, पर जब बिग बॉस के अंदर हम लोग घर में थे तो मैं उनको एकदम पसंद नहीं करता था, पर धीरे धीरे जब मैं घर के बाहर आया तो मेरे को लगा कि वो एक इंसान के रूप में भगवान है, बहुत स्वीट हैं। और एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा उनके बर्थडे में, हम लोग दोनों अर्जेंटीना में थे, हमारा एक टेलीविज़न शो चल रहा था, रियलिटी शो, जिसको शाहरुख खान होस्ट कर रहे थे और भैया जीत नहीं रहे थे, तो बहुत सारे में तो मैंने वैसे कहा भैया आज मैं आपसे कृष्णा का एक राउंड करूँगा और आप आज जीत जाओगे, और भैया जीत गए। एंड यू नो वॉट, मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स एक टेबल बैठ के एक बात कर रहे थे, मेरे को एक शू खरीदना था जो बहुत एक्सपेंसिव था, एंड मैंने कहा डार्लिंग वो बहुत महंगा शू था और मेरे को वो शू चाहिए, और भैया जिस दिन जीते वो राउंड जीत गए, और उन्हें जब मैं रूम में पहुंचा तो एक सरप्राइज़ था मेरे लिए, ही गिफ्टेड मी दैट शू, जिसको मैं बहुत चेरिश करता हूँ, आज भी मेरे पास है वो, एंड ही इज़ गॉट अ लार्ज हार्ट, ही इज़ अ वेरी वंडरफुल मैन, एंड बड़बोड़ियाँ ज़्यादा हैं, बोलते बहुत हैं पर उनका दिल बहुत साफ है। अगर रात के 3 बजे मैं उनको एक अपना प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए फ़ोन करता हूँ तो ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी। वेल, बहुत टायर्ड था मैं 3 दिन से, बहुत, क्योंकि बिकॉज आई एम रियली वर्किंग डे एंड नाइट फॉर माई फोर कमिंग प्रोजेक्ट, तो बिंदु भाई का जब ये मैसेज आया तो आई कुडंट से नो टू हिम, एंड इट्स हिज बर्थडे, अब वो हार्डली अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, यू नो, पर आज सेलिब्रेट कर रहे हैं तो मैं उनको मना नहीं कर पाया, एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट, भगवान श्री कृष्ण उनको हमेशा खुश रखें, एंड मे ही कीप देम शाइनिंग, ऐसे वो लाउड रहें और सबको प्यार करते रहें। Well, right now I'm gearing up for London. I'm flying to UK very soon and I'm coming up with my new collection. आज मैंने ये जो टी शर्ट पहनी है वो रोहित वर्मा की है, सो ये मैंने स्प्रिंग समर कलेक्शन में लॉन्च कर रहा हूँ मैं, एंड yes, the things are looking very positive. Okay, all the best. Thank you very much. Thank you. डार्लिंग, ही इज अमेजिंग, मैं चाहती हूँ बिंदु और 50 साल 100 साल जिए, ऐसे ही मजबूत हट्टा कट्टा रहे,
दारा जी की जो लेगेसी है वो ऐसे ही जिंदा रहे. आई विश लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर हिम. ही इज अमेजिंग पर्सन, वी ऑल नो. सब उनसे बहुत प्यार करते हैं. बहुत हम्बल, बहुत स्वीट, बहुत डाउन टू अर्थ और बहुत ही टैलेंटेड इंसान है. सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर. ओके, आप कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करते हो उनके साथ? हाँ जी, कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करते हैं? मुझे विंदु ने बचपन से, लाइक आई वॉज 17, सिंस दैट टाइम ही हैज सीन मी ग्रोइंग इनटू अ वुमन. सो नाउ आई एम मदर. सो यस, it's that is how it is. Now you judge how strong it is. Okay, after the cake, happy birthday. He's one of the sweetest people I've ever met, and he always, like, whenever I meet him, he always remembers me and greets me very nicely no matter where he is. He's very down to earth and he's really nice. I remember him because we have like a farmhouse all together, so all of us would go together and we like have a lot of fun over there. And then I'm telling you, that man hasn't changed since I know him. He looks the same, behaves the same. I just, I got it. Okay, ma'am, since you said ki 17 years ki aap jab thi, haan ji, abhi se aap jaan rahe hain, haan ji, to ek koi memory share karna chahenge, best memory jo aapne unke saath spend ki ho? Actually, when I met him first time, he was doing this Hanuman in Hyderabad, and I was totally unaware of Vindu. मुझे वो टाइम, वो लम्हा जब मैं पहली बार विंदु को मिली, आई कैन नॉट फॉरगेट. इट्स वेरी ब्यूटिफुल. उसके बाद में घर पर, फिर रिसेंटली उनका जो नेल्स के लिए उनकी वाइफ दीना के साथ में जो उन्होंने शुरू किया है, सो आई हैड गॉन टू डू माय नेल्स दैट टाइम. ही मेड सम नाइस फ्रेशलाइन सोडा एंड ऑल दिस थिंग्स, लाइक लिटिल लिटिल थिंग्स, यू नो, where he takes personal care and treats me like a little baby. So I just adore that. Okay, lastly, wish ho jaye. Yes. Lastly, wish ho jaye. Lastly? Lastly, wish ho jaye. Again, wish to Vindu. Yeah. Vindu, I love you. Wish you very great, great, awesome birthday. Let's see what you're doing inside. Ma'am, last question. Like, you repeatedly come to Sin City now. So, something about this place, because it's hosting Vindu's birthday this year. Sin City is awesome. Now I am waiting for Sin City to do something for me and put up my holdings. That is, I love the ambience, I love the music, I love the interiors of Sin City. It's very nice, and I would like to come to Sin City again and again and again. बड़ी खुशी की बात है. बिंदु मेरे छोटे भाई जैसा है, बच्चे जैसा है, और मेरा पड़ोसी है. एंड मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं आज बॉम्बे में था तो यहाँ आने का मौका मिला. आई विश यू ऑल द बेस्ट, लॉन्ग लाइफ एंड अ हैप्पी लाइफ. एंड इज अ लवली पर्सन, आई लव टू बी एसोसिएटेड विद हिम. या मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ. द मोमेंट आई एंटर्ड आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग. तो मैं भी सोचता हूँ एक दो पार्टी यहाँ करनी चाहिए, अच्छा लगता है. एंड इज़ वेरी कन्वीनियंट ऑल्सो, वेरी क्लोज टू आर फ्रेटर्निटी. या सर, आज विंदु सर का 50th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो क्या विश करना चाहते हैं? वही मैंने विश किया था अभी आपके सामने. आई विश टू अ गुड लक इन हिज लाइफ, हेल्दी लाइफ, स्माइलिंग लाइफ. एंड एज इट इज, ही इज अ लवली पर्सन एंड एवरीथिंग गोज वेल विद हिम. यू आर वेलकम, ऑल द बेस्ट. Amazing to be here, because with Vindu bhai, like whatever time I've spent in my life has always been a celebration. He's one of the happiest, nicest and sweetest souls ever in this world, and he's my brother. But I'm telling you, Vindu bhai is sabka bhai. He's the sweetest man on this planet, and I wish him many, 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 many more healthy, happy and wonderful years. I love him, and I'm so sure everybody that knows Vindu bhai loves him, because he's a rock star and there's only one Vindu. Love you, Vindu bhai. Cheers. Celebrating Vindu bhai's birthday here, Sin City. I mean, I've been to this place for the first time. I think it's new, but it looks fantastic. It's you know, first thing that comes to my mind is it's so spacious. In Bombay, you don't get this kind of space. It's amazing. There are, you know, it's got a fabulous, fabulous, you know, interior.
and looks amazing, so I'm very excited. I'm so sure it's going to rock. So all the best, guys, and great effort, yeah. This place looks huge and very opulent. And I think Mumbai needs places like this, so all the best, team. Ethan got a great response, great work. How does it feel? It feels really good that people are going watching the movie and they're liking it. And all the hard work that we have put in, you have always been there supporting us. Thank you for that. Feeling good. Aziz, you're at Sin City. What do you have to say about the place, about the party? This place is actually absolutely fantastic. Siddharth just finished one of his music videos today. So he wanted to come out and go out, and he was asking which place to go, and said, let's go to Sin City. Because I wanted him to see this place. And also, you know, Hindu's birthday. I would like to wish him very happy birthday and bought a achi zindagi home to the Asi Kush Khak. And this place is really nice. Aziz Namuye recommended it. And we are coming from Mata Island. And I think it is one of a kind place in Andheri, and especially in this area. And I like the interiors and the theme. Would congratulate the people and would wish them the best to grow well. बिंदु से मैं बहुत स्पेशल बॉन्ड शेयर करती हूँ. बिंदु मेरे बहुत कुछ ऐसे दोस्तों में से हैं जो आई थिंक जब मैं मुंबई आई थी तो वो कुछ जो पुराने दोस्त होते हैं ना, तीन चार, उनमें से एक बिंदु है. और बिंदु मेरे अच्छे बुरे सब टाइम, स्ट्रगल के टाइम बिंदु ने सब देखे. हम लोगों ने साथ में काम बहुत किया था शुरू शुरू में, शुरू शुरू की बात है. तो बिंदु के साथ एक बहुत ही स्पेशल बॉन्ड है. और पता नहीं क्यों कि अगर कोई तकलीफ़ होती है ना मुझे, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो, तो बिंदु इज़ वन पर्सन जिसको मैं आधी रात को भी कॉल कर सकती हूँ. सो मेरे लिए ये पार्टी नहीं है, मेरे लिए तो ये अपना ही एक, कहते ना, मैं अपनी ही जगह पे आ गई हूँ. बिंदु के घर जाना या बिंदु की पार्टी में आना, ये मेरे लिए अपनी है. तो यहाँ पर कोई ऐसा मेडअप चीज़ नहीं है मेरे लिए कि ओ किसी सेलिब्रिटी के यू नो इवेंट में जा रहे हो आप. आप देखोगे तो मेरा अपना कैमरा भी मेरे हाथ में है, मैं व्लॉग्स बनाती हूँ. और बिंदु के लिए ब्लॉग ना बनाऊं, बिकॉज कई बार क्या होता है सेलिब्रिटीज़ के आप इवेंट्स में जाते हो तो आप नहीं बना पाते हो, आप ऐसा कुछ कोशिश भी नहीं करते हो, बिकॉज आप थोड़ा सा ऐसे रहना चाहते हो. बट वेन इट कम्स टू बिंदु ना, मैं ऑल आउट कुछ भी करूँगी मैं, तो बिंदु के साथ सब अलाउड है. एंड डीना स्पेशली, डीना के साथ तो और स्पेशल बॉन्डिंग है मेरी. मतलब बिंदु के साथ तो है, डीना के साथ खतरों के खिलाड़ी में भी शेयर द सेम रूम. तो 10 दिन हम लोग सेम रूम शेयर करते करते इतना अच्छा बॉन्ड हो गया कि आज वो बिंदु से कहीं ज्यादा है मेरा डीना के साथ बॉन्ड. ओके, सो आप दोनों क्या एक खास विश देना चाहेंगे बिंदु के लिए? खास विश तो मुझे लगता है कि बिंदु बाजी को रोज ही दे सकते, क्योंकि जिस दिन भी मैं उनसे मिलता हूँ ना, ऐसा लगता है उनका बर्थडे ही है. की हाल चाल हो, की ऐसा इतने खुश हो रहते हैं ना, रोज ही बर्थडे की तरह मनाते हैं हर दिन को. तो मैं तो चाहूंगा कि उनका हर दिन बर्थडे की तरह जाए, और हम दोनों की तरफ से हमेशा उनके लिए बर्थडे विशेस. क्या एक आध विश थोड़ी है, मैं तो बिंदु के लिए हमेशा चाहती हूँ कि उसका बहुत अच्छा हो लाइफ में, जो वो चाहता है. कि वैसे तो क्या नहीं है बिंदु के पास, लेकिन मुझे लगता है जो खुशियाँ बांटता है ना, वो ऊपर वाला उसको इतनी दे कि वो और खुशियाँ बांट सके लोगों में. सो ये मेरी ट्रूली दिल से विशेस हैं उसके लिए. बिंदु के साथ एक फिल्म मैं कर रही थी शुरू शुरू में, किड्स नंबर वन. अब वो फिल्म रिलीज भी नहीं हुई शायद, पता नहीं वो क्यों बनी थी और क्यों रिलीज नहीं हुई. लेकिन वहाँ पर बिंदु और मैंने एक्चुअली पहली बार मिले थे. तो मैं जो बच्चे थी उनकी जो कहते हैं ना, जो जो उनकी केयर टेकर है, वो मैं प्ले कर रही थी. और बिंदु उसमें चोर था, चोर प्ले कर रहा था वो. हमारी पता नहीं क्यों यू नो बात करते करते बड़ा पंजाबी बना, बिकॉज आई एम पंजाबी, बिंदु बड़ा ठेठ पंजाबी है. वो पंजाबी पंजाबी में ना ऐसी वो बॉन्डिंग बनी कि पता नहीं, वो दिन और आज का दिन, इट्स बीन आई थिंक ओवर 18 years, 18 साल हो गए बिंदु के साथ. और वो दोस्ती अब आगे बढ़ते बढ़ते अविनाश के साथ भी हो गई है बिंदु की बॉन्डिंग. तो बिंदु एक ऐसा इंसान है ना कि आप उससे एक बार मिलोगे ना तो वो आपको अपना बना लेगा. आपको ऐसा लगता है आप सालों से जानते हो? हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको टाइम लगेगा बिंदु के साथ, यूं ऐसा है. हाँ बस जैसे मिलता वैसे कर दूंगी. क्या हुआ अभी आप इतना चाहिए, सिन सिटी में आया, सिन सिटी होस्ट कर रहा है बिंदु जी का बर्थडे, तो
अरे यहाँ पे मैं पहले भी आई हूँ, देवीना का बर्थडे था अभी हाल ही में आई थी और मैं फिर यहाँ पे आकर खड़ी हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है देवीना मुझे अंदर मिल जाएगी। देवीना है क्या यहाँ पे? सो या देवीना के बर्थडे पे आई थी, लव दिस प्लेस, बहुत अच्छा लगा मुझे ये जगह, ये वेन्यू। मुझे लगता है कि हमें भी यहाँ पर कुछ ना कुछ गेट टुगेदर या कुछ एक इवेंट तो करना ही चाहिए। मेरे व्लॉग्स देख लो आप लोग, मेरे व्लॉग्स भी प्रमोट करो, लोगों से बात करो कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और जैसे कि आप लोग मुझे कैप्चर करते हो वैसे ही मुझे लगता है कि अब मेरी बारी है कि मैं आप लोगों को कैप्चर करूं। देयर यू गो, छुपो मत मुझसे। सो आप लोग आ गए हो मेरे फ्रेम में, आगे कुछ किसको? बिंदु को, बिंदु को बर्थडे विश। अरे कितनी बार, कितनी तो पपिया लेके आ रही हूँ मैं बिंदु की, कितनी मीडिया के लिए। आई थिंक बिंदु को हमारी ओर से जन्मदिन की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।